राजधानी देहरादून में डेंगू अपने पैर पसारता जा रहा है। हर दिन राजधानी में डेंगू के नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते अब नगर निगम पर लोग अपना गुस्सा उतार रहे हैं। राजधानी देहरादून के सबसे पॉश इलाके में शुमार रेस कोर्स में डेंगू की वजह से एक 14 साल के मासूम की जान चली गई और अब उसकी माँ भी डेंगू की चपेट में है, जिसके चलते रेस्कोर्स से आए लोगों ने इसकी नगर निगम से शिकायत की और उनका कहना है कि नगर निगम की लापरवाही से रेस्कोर्स में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते वहाँ डेंगू मच्छर पनप रहा है, लेकिन नगर निगम सब कुछ जानते हुए भी मौन बना हुआ है। सुपरवाइजर जो है वो आते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से काम करते हैं। 15-20 मिनट काम करा और अपना चल पड़ते हैं। उनसे कहो कि भैया सफाई पूरी करो, कूड़ा वगैरह उठाने के लिए रिक्शा वगैरह लाओ। कहते जी ये काम हमारा नहीं है, और सुपरवाइजर तो फ़ोन उठा के ही राजी नहीं है। ये परेशानी है, इस वजह से हमें मजबूर होकर यहाँ आना पड़ा। आज मेयर साहब से हमारी दूसरी बार मुलाकात हुई है। पहली बार मुलाकात भी हमारी इसी विषय में हुई थी कि बहुत गंदगी है हमारे वार्ड में और नालियों की सफाई नहीं हो रही है। तो उनको हमने पहले भी यही बात कही थी कि कृपया इनको इसको हटवाइए, ताकि ऐसा ना हो कल कोई बीमार पड़ जाए। आज 1.5 महीने बाद हमने मेयर साहब से दोबारा मुलाकात की है, और दुख का विषय यह है कि इसलिए मुलाकात की है कि एक 14 वर्ष का बच्चा जो है वो मर गया है सिर्फ डेंगू की वजह से, और जो कि इनकी पूरी पूरी लापरवाही है। आज की मम्मी भी जो है डेंगू की चपेट में है, और हमारे 4-5 लोग और जो हैं वो डेंगू की चपेट में है इस समय। तो आज हमने मेयर साहब से ये मुलाकात की है, इससे पहले कि और कोई क्षतिपूर्ति वो हो जाए, तो आप कृपया करके ये सफाई का व्यवस्था करें। वहीं पूरे मामले पर मेयर को जब इस बारे में पूछा गया तो वे कार्रवाई करने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ने लगे। साथ ही उनका कहना है कि सुपरवाइजर को निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए। जानकारी दी गई है और मैंने विभागीय अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि मौके पर फॉगिंग कराएं, वहाँ सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कराए। मैंने कहा है उसके ऊपर कार्रवाई के लिए, मैंने वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए हैं उसको उसके ऊपर कार्रवाई करें। देवभूमि न्यूज़ देहरादून।